NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Behta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. मैं विनव कुमार आपके साथ. जिस तरीके से केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसी तरीके से आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ. आज हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली. जिस तरीके का अपडेट था, 11:30 बजे से कार्यक्रम था और आज 8 मंत्रियों ने शपथ ली है. जिस तरीके से अपडेट किया, जिस तरीके से मैंने आपको सिटी पोस्ट के माध्यम से खबरों दिखाया, और इसी क्रम में हम आ चुके हैं हज भवन में. आज हज भवन में देख सकते हैं किस तरीके का माहौल बना हुआ है. जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, लोगों का भीड़ जुटा हुआ है और नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है. मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग और इफ्तार का आनंद ले रहे हैं. आइए, कैमरा सभी को कहूँगा कि आइए, जिस तरीके का यहाँ पे देख सकते हैं माहौल बना हुआ है और इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है. जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सारे लोग जुटे हुए हैं उनके. और जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 8 मंत्रियों ने आज शपथ ली है और इसी क्रम में आज यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है. और नीतीश कुमार, जदयू के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इफ्तार पार्टी के मज़े ले रहे हैं. अब तस्वीरों को कैमरा सभी को कहूँगा थोड़ा आगे और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि यहाँ पे नीतीश कुमार मौजूद हैं और भी जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे लोग मौजूद हैं. आइए कुछ लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके का सर जो पार्टी रखी गई है, क्या कहना चाहेंगे. इफ्तार पार्टी रखी गई है, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 8 मंत्रियों को चुना गया, क्या कहना चाहेंगे. मंत्रिमंडल का विस्तार जो है ये उनकी एक अपनी रणनीति है और इफ्तार जो है ये मुसलमानों से जो उनकी दिल से जुड़ाव है ये उसका प्रतिफल. आप क्या कहना चाहेंगे सर, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 8 मंत्रियों ने शपथ ली है. ये इफ्तार पार्टी जो है हर साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं. ये सब हर धर्म के लोग इसमें आते हैं, शरीक होते हैं. एक मुझे एक फेस्टिवल का मौका है, हर साल होता है. ये माननीय नीतीश कुमार की इतनी भी तारीफ की जाए वो कम है जो हर सब लोगों के लिए चल रहे हैं. इसको कैबिनेट के विस्तार से कोई मतलब नहीं है, ये हर साल होता है, हर साल. लेकिन सर एक सवाल जहन में आ रहा है कि जिस तरीके से केंद्र में जदयू को एक भी सीट नहीं मिला कैबिनेट में, उसी तरीके से आज जदयू की तरफ से भी एक तरह से स्टेप लिया गया कि बीजेपी का भी कोई भी नेता उसमें मंत्री में नहीं शामिल किया. नहीं, ऐसा बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो बीजेपी को नहीं लिया जाएगा उनको भी लिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है. अभी जो जदयू का सीट खाली था वो सीट को पूर्ण किया गया है, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है. लोगों गलतफहमी है, जो गठबंधन जो अभी हम लोग का एनडीए का जो है वो बरकरार रहेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, अब वो रहेगा. आप क्या कहना चाहेंगे सर, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे. ये हमारे नीतीश जी की तरफ से बहुत ही अच्छा ये आयोजन किया गया है. इससे है कि हम सारे कार्यकर्ता लोग एक दूसरे को संपर्क में रहते हैं और ये एक तरह से मतलब के नीतीश जी का एक बहुत बड़ा काम में एक ये है, सराहनीय काम है. आप क्या कहना चाहेंगे जी, इस किसी मुद्दे पर बात करें. जी, मैं इफ्तार पार्टी का जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद इफ्तार पार्टी का आयोजन, ये हर साल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है. ये मुख्यमंत्री जी का कार्य बहुत ही अच्छा रहा, ये सभी धर्म, सभी मजहब, सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया. यही तो हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब का एक पहचान है जो हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा ये करते आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास ये करते आ रहे हैं. चलिए, तो ये थे इनके कार्यकर्ता. तो जिस तरीके का ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी हर एक साल नीतीश कुमार के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है. वैसे आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 8 मंत्रियों ने शपथ ली, आज का अपडेट था. और जिस तरीके का मैंने माहौल दिखाया कि किस तरीके के यहाँ पे कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके नेता उनके लिए मौजूद है और इफ्तार पार्टी का आयोजन चल रहा है. मुझे दीजिए इजाजत, कैमरा सहयोग कृष्णा के साथ अभिनव कुमार, पटना. कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा. घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में. आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in. अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222. सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स.